आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको लाने का उद्देश्य है शासन में पारदर्शिता लाना, प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पे उत्तरदायित्व तो लेके आना। तो इस इन सब चीजों को लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को लाया गया है 2005 में, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो भारत के आज़ादी के पहले 1947 से पहले 1923 ब्रिटिशर्स ने भारतीय गोपनीयता अधिनियम लेके आया था 1923 में, जिसमें होता क्या था कि प्रशासन ब्रिटिश के हाथ में था, वो बहुत सारी चीजें जनता से छुपा कर रखना चाहती थी, कि वो चाहती थी कि जनता को शासन प्रशासन की चीजों को पता न चले। तो इन सब चीजों के लिए 1923 में भारतीय गोपनीयता अधिनियम लेके आया गया था। इसके बाद जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और हमारा देश बन गया लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, तो किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पारदर्शिता होना किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष चला और 2005 में RTI एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया और इसको पारित करके लागू किया गया। तो 2005 में RTI एक्ट बना और ये इसकी पृष्ठभूमि थी। 1947 में भारत आजाद हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने संविधान ड्राफ्ट किया और एक आर्टिकल लेके आए 91। ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्री फ्रीडम एंड स्पीच। तो इसमें ये कहा गया कि सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता है या फिर जानने की भी स्वतंत्रता है। बताने की स्वतंत्रता है या फिर जानने की भी स्वतंत्रता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, बोलने की तो स्वतंत्रता है ही, आपको जानने का भी स्वतंत्रता है। इस बात को आधार मानकर RTI एक्ट का निर्माण हुआ कि शासन में क्या चल रहा है, शासन की गतिविधियों के बारे में जनता को जानने का अधिकार दिया गया और ये अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में दिया गया। अब इससे सरकार कुछ भी गतिविधि करती है, कुछ भी कार्य करती है, तो एक सीमा तक जनता को शासन के कार्यकलाप को के बारे में जानने का अधिकार है। वह एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में RTI के माध्यम से उस चीज के बारे में जानकारी ले सकती है। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम। तो ये सारे जो स्कैम बाहर आए थे, इन सब के मूल स्रोत में RTI था। RTI के थ्रू ये देखा गया कि ये जानकारी इकट्ठा की गई कि यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी की गई थी और इन सूचनाओं के आधार पर ही इतने बड़े बड़े स्कैम बाहर होके आए। तो ये इस RTI एक्ट का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया कि इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहला पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व लाना, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजों को प्रशासन में लेके आना, भ्रष्टाचार को कम करना। अब किसी शासकीय सेवक पे ये उत्तरदायित्व है कि आपके कार्यों को
जानने का अधिकार जनता को है, तो वह इस डर से कि उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होगा और वह इससे भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। इससे कारण क्या होगा, सरकारी पदों का दुरुपयोग कम होगा। सरकारी पदों का दुरुपयोग कम होगा, लोक प्राधिकारी नियंत्रण नियंत्रण मजबूत होगा, लोक प्राधिकारी पर नियंत्रण मजबूत होगा। इस तरीके इन सब चीजों को लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाए गए। तो अभी हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में इसके अंतर्गत क्या क्या दी गई है वो देखते। मैंने बताया किसी भी अधिनियम का धारा एक क्या बोलेगा, ये संक्षिप्त नाम क्या है इसका, लागू होने की इसकी तिथि क्या है और इसका विस्तार कहां पे है, ये कहेगा धारा एक। संक्षिप्त नाम यही है सूचना का अधिकार अधिनियम, लागू होने की तिथि, विस्तार। विस्तार पहले इसका जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। नोट्स में थोड़ा सा ये बात नहीं लिखी गई है तो आप ये लिख लेना, अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, ये अधिनियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। धारा एक, अब हम देखते हैं धारा दो। धारा दो मैंने बताया, धारा किसी भी अधिनियम के धारा दो में परिभाषाओं के बारे में बताया जाता है। इस अधिनियम में भी कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे सबसे पहला एक परिभाषा है समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसमें होगा दो में, सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सूचना इंफॉर्मेशन लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी और एक है सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये सभी परिभाषाएं धारा दो में दी गई हैं। अब ये दो ए में शुरुआत होती है समुचित सरकार, दो ए में समुचित सरकार, दो ई में सक्षम प्राधिकारी, इंफॉर्मेशन, दो एफ सूचना, लोक प्राधिकारी, दो एच और दो जे, ये होता है सूचना का अधिकार अधिनियम की परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। अब हम एक एक करके इन सभी परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला परिभाषा होता है समुचित सरकार। समुचित सरकार होता है, नाम से स्पष्ट है, इसमें सरकार की बात की जाएगी। सरकार क्या होती है, एक अमूर्त संस्था होती है, इनटेंजिबल संस्था होती है। तो हमारे हमारे भारत में दो स्तर के सरकार चलती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर प्रमुख सरकार होती है केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर प्रमुख सरकार होती है राज्य सरकार। तो इसकी परिभाषा में बताई गई है कि समुचित सरकार से आशय उस सरकार से है जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होता है, जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होता है वह होता है समुचित सरकार। जैसे केंद्र से संबंधित संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार, जबकि राज्य से संबंधित संस्थाओं के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ खंड हैं जो कंकरेंट लिस्ट में संघ सूची और राज्य सूची की बात की जाती है। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है वो केंद्र सूची की बात करता है,
इसका प्रमुख, इसका समुचित सरकार कौन होगा? केंद्र सरकार। इसी प्रकार पुलिस, पुलिस जो होता है वो राज्य के, राज्य का विषय है, तो इसका समुचित सरकार होगा राज्य सरकार। इस तरीके से समुचित सरकार को परिभाषित किया जाता है। हमने देखा समुचित सरकार जो है वो एक अमूर्त इनटेंजिबल संस्था होती है, तो किसी भी अमूर्त को, इस सरकार को चलाने के लिए कुछ एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उन अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं क्या, कौन, जो मान लो किसी एक, कोई विभाग है, कोई एक समूह है, इसके जो हेड होंगे वो होंगे सक्षम प्राधिकारी। जैसे लोकसभा, लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा, इसके प्रमुख कौन होते हैं? सभापति। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसके प्रमुख कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार उच्च न्यायालय, इसके भी मुख्य मुख्य न्यायाधीश प्रमुख होंगे। इस तरीके से सक्षम प्राधिकारी होते हैं, वो अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होते हैं। सूचना का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। जैसे लोकसभा, विधानसभा के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे? स्पीकर। राज्यसभा, विधान परिषद के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे? सभापति। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी होंगे मुख्य न्यायमूर्ति। इसके अलावा संस्था जो केंद्र और राज्य के अधीन स्थापित है, उनमें केंद्र सरकार के संस्था के लिए राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल इसके सक्षम प्राधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से सक्षम प्राधिकारी के भी कुछ परिभाषाएं होती हैं, ये सभी दो नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं। तीसरा है सूचना। सूचना होता है, सूचना क्या होता है? सूचना है इंफॉर्मेशन, और ये जो इंफॉर्मेशन होता है सरकार की कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने तहसील, तहसील ऑफिस एक संस्था है, इसमें बहुत सारे राजस्व के कार्य होते हैं, तो सभी राजस्व के कार्य के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो व्यवस्थित रूप से इनके पास सुरक्षित होते हैं, जिसमें लैंड रिकॉर्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें, एक व्यवस्थित रूप से सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। तो इन सब सूचनाओं को, कई, ये सब सूचनाएं कई फॉर्म में होती हैं, एक अभिलेख के रूप में हो सकती हैं, रिटर्न फॉर्म में, मान लो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अपडेटेड है तो वो कंप्यूटर में सेव होंगे, तो मान लो सीडी में सेव है, डीवीडी में सेव है, पेन ड्राइव में सेव है, डिजिटल फॉर्म में किसी भी रूप में सेव हो सकते हैं। तो इन सब अभिलेखों को, सूचनाओं को जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में होते हैं, उन सब चीजों को सूचना कहा जाता है। इसकी परिभाषा दी गई है, सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी, सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। सूचना अर्थपूर्ण आंकड़ों का संग्रह है, इसके अंतर्गत कोई भी दस्तावेज, अभिलेख, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी सूचना के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब सूचना होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो होगा वो होगा लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि सूचना देने का अधिकार इन्हीं को होता है, क्योंकि सूचना भी इन्हीं के पास होता है। अब राष्ट्रपति तो ऊपर में बैठे हैं, तो सारी सूचना तो उनके पास होंगी नहीं। जो ऑफिस जो काम करता है, जो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है, जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, सूचना उन्हीं के पास होता है। तो सूचना जिनके पास है वो होते हैं लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी। इस विषय में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था से नियुक्त अधिकारी, जिसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो सूचना देने का अधिकार प्राप्त लोक प्राधिकारी को ही होता है। इसमें फिर सूचना का अधिकार की परिभाषा हम देखें, सूचना का अधिकार की परिभाषा की बात करें तो 2J में इसकी परिभाषा दी गई है। सूचना का अधिकार से आशय सूचना प्राप्त करने का अधिकार से है। सूचना का अधिकार से आशय सूचना प्राप्त करने का अधिकार से है। कोई भी व्यक्ति सूचना को प्राप्त कर सकता है, वह प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में प्राप्त कर सकता है, प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में सूचना को प्राप्त कर सकता है, नमूना प्राप्त करने का अधिकार है, भंडारित सूचना, जो मैंने बताया कंप्यूटर में मान लो भंडारित है,
तो वो सूचना को भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से सूचना का अधिकार को भी परिभाषित किया गया है। बात करें धारा 3 बोलता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये धारा 3 बोलती है, बस इतना ही बोलती है। उसके बाद धारा 4 की बात करें, धारा 4 बोलता है कि लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी जिस पर सूचना देने का अधिकार है, देने की बाध्यताएं हैं, तो लोक प्राधिकारी जो होंगे, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, धारा 4 को बताता है कि लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं क्या है, इस सब के बारे में धारा 4 बात करता है। तो ये बाध्यताएं कुछ और नहीं, उसके उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, क्योंकि सूचना तो इन्हीं के पास है, तो सूचना को इन्हीं के पास है तो उनको वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, अच्छे से नियंत्रित करते हैं, प्रबंधित करते हैं, इन सब चीजों को बताया गया है धारा 4 के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो इसको 3 प्रकार से बांटकर बताया गया है, दस्तावेज के संबंध में, दस्तावेज के संबंध में जो इसका दायित्व है, अब दस्तावेज इनके पास होते हैं तो अभी ये क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से दस्तावेज को रखेंगे, अनुक्रमणिका, पॉइंट वाइज एकदम व्यवस्थित रूप से अनुक्रमणिका बद्ध सूचना को, दस्तावेजों को रखेंगे। उसी प्रकार दूसरा बताया गया है कि संगठन के दायित्व का निर्धारण करना, प्राधिकारियों के दायित्व का निर्धारण करना, मानक तय करना, सूचना अधिकारी की नियुक्ति, सूचना अधिकारी के कर्तव्य का निर्धारण, ये सब चीजों को संगठन के से संबंधित इसके कुछ बाध्यताएं बताई गई हैं। उसी प्रकार नीति से संबंधित कुछ बाध्यताएं बताई गई, सूचना के अधिकार के तहत नीति का निर्धारण करना, नीति से संबंधित सूचना जनता तक पहुंचाना, इन सब बातों को धारा 4 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी के बाध्यताओं के रूप में बताया गया है। धारा 6 एक महत्वपूर्ण धारा है कि सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध की बात की गई, सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध की बात की गई है धारा 6 में। अगर मेरे को सूचना चाहिए तो मैं सूचना के लिए अनुरोध करूंगा, तो ये इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। तो ये क्या प्रक्रिया है, सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन करना पड़ेगा, आपको एक आवेदन के माध्यम से सूचना को करना है, और वो आवेदन एक सादे कागज, एक सिंपल सा हमारे पास जो कोरा कागज होगा A4 साइज का, उस पेपर में हम लोग आवेदन करेंगे और दे सकते हैं। और ये जो आवेदन होगा उसकी जो भाषा होगी वो हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, और भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें उसमें जो राजभाषा है वो किसी भी राज्य का राजभाषा में भी हो सकते हैं। और यह आवेदन सूचना अधिकारियों को संबोधित होगा, इसके लिए विहित शुल्क भी एक निर्धारित है जो कि ₹10 का एक विहित शुल्क देकर एक कोरे कागज में किसी भी राजभाषा में हिंदी इंग्लिश में आवेदन करके सूचना के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ये धारा 6 बताता है। अब हमने अनुरोध तो कर दिया कि हमको सूचना दो, तो धारा 7 इसी का उपाय बताता है कि सूचना अनुरोध का निपटारा, हमने जो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है उसका निपटारा धारा 7 करता है। तो धारा अनुरोध का निपटारा कौन करेंगे, सूचना अधिकारी, जो सूचना देने के लिए लोक प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो वो लोक प्राधिकारी ही हमको सूचना देंगे और वही अनुरोध का हमारा निपटारा करेंगे। तो सामान्यतः 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त कर दी जाएगी, 30 दिनों के भीतर ही सूचना को प्राप्त कर दिया जाता है, तो इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में 45 दिन तक भी सूचना दे दिया जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि
सूचना किसी के भीतर या शरीर से संबंधित एकदम अर्जेंट सूचना की जरूरत है, जिससे किसी के जीवन का भी संकट आ सकता है। तो ऐसी सूचनाओं को 48 घंटे के भीतर देने की बात की गई है। यदि दिए गए समय में सूचना न मिले या दिए गए सूचना से आप संतुष्ट नहीं है तो आप इस सूचना के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, जो कि धारा 19 में बताई गई है। तो आप इस अनुरोध का निपटारा किया गया, लेकिन आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना के विरुद्ध आप अपील करेंगे, और इसका उल्लेख किया गया है धारा 19 में। तो धारा 19 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है की बात करता है। धारा 19 अपील की बात की गई है, यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें सूचना मांगकर्ता संतुष्ट नहीं है। सूचना जो मांग करने वाला है धारा 7 के तहत दी गई सूचना से वो संतुष्ट नहीं है तो वह शीर्ष अधिकारी को सूचना की मांग कर सकता है। इसके लिए क्या परिस्थिति होगी? एक परिस्थिति ये हो सकती है कि वह सूचना अपूर्ण सूचना हो, वो जो सूचना मिली है वो अपूर्ण सूचना हो, वो भ्रामक सूचना हो, ऐसी ऐसी सूचना दे दी गई जिसका एकदम भ्रमित करने वाला हो, जिसका जिसका उस सब्जेक्ट से कोई संबंध ही ना हो, ऐसी भ्रामक सूचना दे दी जा रही है, या फिर सूचना भी दी जा रही है तो बहुत विलंब के साथ। इसमें टाइम फिक्स किया गया है 30 दिन, और अधिक किसी एक्सेप्शनल केस में 45 दिन तक में सूचना देना है। लेकिन अभी कुछ हुआ कि वो बहुत लंबे समय 30, 60, 70, 80, 1 साल बाद सूचना देता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग अपील कर सकते हैं। तो अपील आप कर सकेंगे। तो अपील किसको करेंगे? अपील 2 चरण में होती है, एक प्रथम अपील और एक द्वितीय अपील। प्रथम अपील जो होगी वो होगी 30 दिन के भीतर, और यह जो होगी वह सूचना अधिकारी को किया जाएगा, क्योंकि पहला जो सूचना है वह सहायक सूचना अधिकारी देता है, इसलिए प्रथम अपील जो की जाएगी वह सूचना अधिकारी को की जाएगी। प्रथम अपील की बात करें प्रथम अपील सूचना अधिकारी को की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय अपील की बात करें, ये सूचना आयोग को किया जाएगा। सूचना आयोग केंद्र में भी होता है और स्टेट में भी होता है। सेंटर स्टेट दोनों में अलग अलग सूचना आयोग की स्थापना की गई है। राज्य से संबंधित सूचनाओं को राज्य सूचना आयोग और केंद्र से संबंधित सूचनाओं को केंद्र सूचना आयोग अंतिम अपील के रूप में देता है। तो इस तरीके से 2 स्तर पर अपील होगा। धारा 19 अपील की बात करता है, जो धारा 7 धारा 6 में हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमको सूचना चाहिए। धारा 7 उन सूचनाओं पे निपटारा करता है, और अगर हम उन सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है धारा 19 के तहत हम उस सूचना के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपील 2 चरण में किया जाता है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। प्रथम अपील में सूचना अधिकारी को किया जाता है, द्वितीय अपील सूचना आयोग को किया जाता है। इस तरीके से धारा 6, 7 और 19। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट धारा आ जाता है कि धारा 20। अभी धारा 20 क्या है? अब मान लो प्रथम अपील भी किया, द्वितीय अपील भी किया, फिर भी सूचना नहीं दिया, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई कि आपने प्रथम अपील किया सूचना दो नहीं दिया, फिर आपने आयोग को द्वितीय अपील किया दो बोला सूचना दो फिर भी नहीं दिया, तो इसका निपटारा करेगा धारा 20। तो धारा 20 क्या करेगा? दंड देगा, दंड की बात करता है। धारा 20 दंड की बात करता है कि अगर कोई लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सूचना होता है अगर वो सूचना देने से मना करता है या सूचना देता ही नहीं है तो धारा 20 के तहत उसको दंड देगा। ये सूचना आयोग दंड देने का अधिकार रखता है, और ये दंड कैसा होगा? 250 रुपये पर डे, 250 रुपये पर डे के हिसाब से 100 दिन का अधिकतम मैक्सिमम 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज मैक्सिमम दंड की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। तो धारा 20 कहता है कि यदि सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है या भ्रामक या अपूर्ण सूचना देता है तब वह दंड का भागीदार होगा। उसे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माने के से दंडित किया जाएगा। तो ये धारा 6, 7, 19 और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, और इन सब ये सारे 4 धाराएं एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पीएससी 2018, पीएससी 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन कौन से सूचनाएं हैं जिनको सूचना देने से मना किया जा सकता है। अब ऐसे थोड़ी है कि
भारत ने परमाणु के हथियार बना रखे हैं, तो भारत ने परमाणु हथियार कहाँ कहाँ रखे हैं, उनका बटन कहाँ कहाँ पे है, आप ये सब तो नहीं पूछ सकते। तो कुछ चीजें हैं जो आप नहीं पूछ सकते, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं पूछ सकते, तो इनको बताने के लिए एक धारा है, तो इसको धारा 8 और धारा 9, ये दो धाराओं में ऐसी सूचनाओं को की बात की गई है जिसको छूट, आरटीआई से छूट किसी सूचना है, आरटीआई से छूट प्राप्त विषय, आरटीआई से छूट प्राप्त विषय धारा 8 और धारा 9 में बताया गया है। तो अब ये कौन कौन सी सूचनाएं हैं, अब एक प्राइवेट व्यक्ति, अब आप ये नहीं पूछ सकते शाहरुख खान की संपत्ति कहाँ कहाँ से वो कमाता है, आप ये सूचना के अधिकार से आप नहीं पूछ सकते। आप देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, देश की एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी, इन सब चीजों पे आप, इन सब चीजों से जुड़ी हुई सुरक्षा संबंधी सूचनाएं को आप नहीं जान सकते। जैसे मैंने बताया परमाणु हथियार कहाँ पे है, उनका बटन किसके हाथ में है, उसका पासवर्ड क्या है, ये आप नहीं पूछ सकते। मंत्रिमंडल के जो डिसीजन होते हैं, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उनको आरटीआई के माध्यम से आप नहीं पूछ सकते। इसी प्रकार सचिव वार्ता भी नहीं कर सकते। आपराधिक मामले जिनमें अन्वेषण प्रभाव, जिससे अन्वेषण प्रभावित हो रहा है, नहीं पूछ सकते। अब आप किसी गैंगस्टर का अतिक्रमण के बारे में ऐसे कुछ जानकारी नहीं ले सकते हैं जिससे कि वो प्रकरण जो प्रभावित हो, तो ऐसी सूचनाओं को आप नहीं ले सकते। आपराधिक मामलों के संबंधित सूचनाओं को आप नहीं ले सकते जिससे उनके अन्वेषण को प्रभावित किया जा सके। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार की बात किया जाए, भारतीय संविधान संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। भारतीय संसद संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है, तो उनसे जुड़ी भी जो सूचनाएं संसद टीवी के माध्यम से जो हमें मिलती है, सिर्फ वही सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे जुड़ी अन्य सूचनाएं आरटीआई के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। अब किसी की कॉपीराइट है, कॉपीराइट से संबंधित सूचनाएं भी आप नहीं मांग सकते हैं। किसी ने पेटेंट लिया हुआ है तो वो सूचना भी आप नहीं मांग सकते हैं। तो इन सब, ये एक 8 नंबर में डेडिकेटेड क्वेश्चन बना था, धारा 8 और 9 इन सब चीजों को बात करता है। आप सबसे पहले कौन से धारा में इसका उल्लेख है ये बताएंगे, और पॉइंट वाइज आप 6 से 7 सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, तो ये कंप्लीट आंसर आपका होगा। हम लोग देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट सूचना आयोग, उतने देर से हम लोग बात कर रहे हैं सूचना आयोग, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सूचना आयोग है क्या। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई एक व्यवस्था है, एक संस्था है जो कि इस अधिनियम को लागू करने का जिम्मेदारी रखता है। केंद्र में केंद्रीय स्तर पर सूचना आयोग, राज्य में राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया गया है। कि दो काम मूल मुख्य हैं, कि यह एक तो सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने की सर्वोच्च संस्था है, और दूसरा जब हम लोग अपील करते हैं तो अंतिम द्वितीय अपील कहाँ करेंगे, सूचना आयोग में, और वो द्वितीय अपील करने के बाद अगर सूचना नहीं मिलती है तो दंड कौन आरोपित करेगा, तो सूचना आयोग। तो इस प्रकार इसके कुछ कार्य भी हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से संबंधित कुछ धाराएं होंगी जो आपको याद करना है। केंद्रीय सूचना आयोग इस शुरुआत करता है धारा 12 से, और दोनों आयोग में दो तीन तीन धाराएं होंगी, आपको तीनों धाराएं एकदम सीक्वेंसली है याद करने हैं, 12, 13 और 14। 14 कदम के बाद क्या आएगा, 15, तो आप 15, 16 और 17, तीन धाराएं इसके, तीन धारा उसके। तो इस प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग के धारा 12 क्या बोलेगा,
आयोग के गठन की बात करेगा, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करता है धारा 12। गठन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाता है। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की बात है, साथ में 10 सहायक मुख्य, बाकी जो 10 होंगे वह सूचना आयुक्त होंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो बनेगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त से मिलकर बनता है। इनका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं एक विशेष समिति की सिफारिश पर करते हैं। अब किसी को तो नहीं करेंगे, तो एक विशेष समिति बनाई जाती है, एक विशेष समिति बनती है जो सिफारिश करती है कि किसे सूचना आयुक्त बनाना है, किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाना है। तो इस समिति में एक होंगे पीएम प्रधानमंत्री, और दूसरे होंगे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होंगे वो होंगे, और तीसरे जो होंगे प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होंगे। तो ये विशेष समिति सिफारिश करेगी कि किसे नियुक्त किया जाए, जिसमें 3 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री इस समिति के सदस्य होंगे, जो रिकमेंडेशन देंगे कि किन्हें ये आयुक्त बना जाए, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार धारा 13 है। धारा 13 क्या बताता है? पदावधि एवं सेवा शर्तें। पदावधि एवं सेवा शर्तें, कोई भी सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक पद पर धारण करेगा, और पुनर्नियुक्ति का पात्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो उप सूचना आयुक्त होंगे, वो सूचना आयुक्त के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। इस तरीके से 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक वो पद धारण करेंगे, और जो उप सूचना आयुक्त है वह सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन कोई भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस तरीके से इनके पदावधि की बात की गई है। इसमें त्याग पत्र अगर देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को देंगे, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। वेतन भत्ते की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त जो होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त की वेतन भत्ते जो होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो सूचना आयुक्त हैं, अन्य सूचना आयुक्त जो हैं वह इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त जो होंगे वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सूचना आयुक्त जो होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान इनकी वेतन भत्ते होंगे। धारा 14 बोलते हैं इनको हटाया जाने की प्रक्रिया बताए जाते हैं। धारा 14 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाने की बात बताते हैं। धारा 14, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने के बाद धारा 14 कहता है, राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकते हैं। ये नोट्स में नहीं लिखा है, आप लिख लेना। राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकते हैं, और वो साबित कदाचार सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद ही होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय जांच समिति का गठन करते हैं, और उसमें अगर साबित कदाचार हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार धारा 12, 13 और 14 डील करता है। यही चीज सेम राज्य सूचना आयुक्त के बारे में भी होगी। 15, 16 और 17, 15 में गठन की बात की गई है। कौन गठन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा, जिसमें क्या होंगे? एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त का के साथ होगा। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य राज्य सूचना आयुक्त का साथ होंगे। नियुक्ति राज्यपाल करेंगी, राज्यपाल विशेष समिति की सिफारिश पे करेंगे।
एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, वह रिकमेंडेशन देंगे कि किन्हें राज्य सूचना आयोग बनाया जाए, राज्य सूचना आयुक्त बनाया जाए। तो वह विशेष समिति कौन होंगी? सेम जो यहाँ पे केंद्र में था, तो यहाँ पे भी विशेष समिति होगी। सबसे पहला कौन होंगे? वहां पीएम थे तो यहाँ सीएम होंगे, वहां लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, यहाँ पे विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करके की गई, और सीएम द्वारा नामित एक मंत्री भी मंत्रिमंडल के सदस्य इसके विशेष समिति के सदस्य होंगे। तो ये तीन समिति के सदस्य एक रिकमेंडेशन देंगे, जिसके आधार पर राज्यपाल राज्य सूचना आयुक्त के गठन करेंगे। 16 में क्या होगा? यहाँ पे 13 में क्या था? पदावधि एवं सेवा शर्त। इसमें भी 16 में भी क्या होगा? पदावधि एवं सेवा शर्त की बात की जाएगी। पदावधि सेम 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो पदावधि होंगे, जो भी पहले हो वही, कोई पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। और जो उप सूचना आयुक्त होंगे वो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र होंगे, लेकिन अन्य जो होंगे वो पुनर्नियुक्ति के लिए अपने ही पद पे पात्र नहीं होंगे। जैसे कोई एक मुख्य सूचना आयुक्त है, वो फिर से उनका टर्म शुरू नहीं होगा कि फिर से वो मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे। 5 वर्ष कंप्लीट हो गया या 65 वर्ष हो गया तो वो सीधे सीधे रिटायर हो जाएंगे। शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, त्याग पत्र भी राज्यपाल को देंगे। वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ते जो होंगे मुख्य सूचना आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त जो होंगे वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान उनकी वेतन भत्ते होंगे, और अन्य जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे वह मुख्य सचिव के समान वेतन भत्ते पाएंगे। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के समान वेतन भत्ते प्राप्त करेंगे। इस तरह से धारा 16 भी कहता है। धारा 17 भी वही हटाया जाना, धारा 17 हटाने की बात करेंगे। साबित कदाचार के आधार पर साबित कदाचार के आधार पर राज्यपाल ने हटाएंगे। इस प्रकार उन लोगों ने सूचना आयोग को देखा। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12, 13, 14, राज्य सूचना आयोग 15, 16, 17, पहले में गठन, दूसरे में पदावधि एवं सेवा शर्त, तीसरे में हटाया जाना। तो इस तरीके से सूचना आयोग की बात की गई। 18 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा होता है जो सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताता है। सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति, सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति की बात करता है। तो इसके कार्य क्या होंगे? कार्य हम लोग सब पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सूचना प्रदान करवाने का कार्य करेगा सूचना आयोग। अपील पर सुनवाई करेगा सूचना आयोग। सूचना अधिकारियों पर नियंत्रण कौन रखेगा? सूचना आयोग। आवश्यकता पड़ने पर दंडित करने का काम कौन करेगा? सूचना आयोग। सूचना के लिए दिशा निर्देश कौन जारी करेगा? सूचना आयोग। तो ऐसे कुछ 5 कार्य सूचना आयोग के बताए गए हैं, और ये 5ों कार्य केंद्रीय और राज्य दोनों सूचना आयोग के लागू होंगे। इसी प्रकार शक्ति की बात की गई, तो सूचना आयोग को जो शक्ति बताई गई वह सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इस संहिता के अंतर्गत जो शक्ति किसी सिविल न्यायालय को है, दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो सिविल न्यायालय को जो शक्ति इस संहिता के अंतर्गत जो मिली हुई है वही शक्ति इस आयोग को प्राप्त है। तो वो शक्ति क्या क्या है? कमीशन जारी कर सकते हैं, नहीं कमीशन का गठन कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, साक्ष्य पर बहस कर सकते हैं, मामले से संबंधित दस्तावेज मांग कर सकते हैं, अभिलेख मांग सकते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रकार की शक्ति बताई गई है। 18 धारा सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति। धारा 19 क्या था? अपील। धारा 20 क्या था? दंड। अब एक महत्वपूर्ण धारा आखिरी बच जाता है, वह है धारा 23।
धारा 23 होता है इस अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो बताता है कि धारा 20 जो लिंक है वो धारा 23 से जुड़ा हुआ है। धारा 20 में आयोग जो होगा किसी लोक प्राधिकारी पे दंड आरोपित करेगा अधिकतम 25,000 रुपए, और वो दंड अगर किसी लोक प्राधिकारी पे कर दिया जाता है तो वो लोक प्राधिकारी किसी न्यायालय में जाके ये सुनवाई नहीं करवा सकता कि मेरे ऊपर आयोग ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस दंड वाले प्रावधान में किसी भी न्यायालय के हस्तक्षेप से मुक्ति बताया गया है, अर्थात कहा गया है न्यायालय के अधिकारों को प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन ऑफ जुडिशरी, न्यायालय के न्यायालय के कार्यों को प्रतिबंधित करने वाला धारा है धारा 23। इसके अंतर्गत कोई लोक सेवक पर जुर्माना या विभागीय कार्यवाही होने पर वह न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा, अर्थात यहाँ न्यायालय की अधिकारिता प्रतिबंधित है। तो ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो ये आप लिख लेना धारा 23। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरीके से समझा है, और इस अधिनियम में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तब हम लोग एक बार इतना लिखने के बाद इस सारे को समझ गए, अब इस सब को नोट्स में लिखने के बाद अब हम लोग आखिरी पेज में इसका शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाएंगे। सबसे पहला क्या होगा, परिभाषा 2A। 2A में क्या है, समुचित सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, धारा 2A अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, धारा 2E सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, धारा 2E, धारा 2F इंफॉर्मेशन, धारा 2H लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी, धारा 2I राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कुछ 5 परिभाषाएं हैं, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आएगा क्या, धारा 3। धारा 3 क्या है, सूचना का अधिकार, धारा 3 है सूचना का अधिकार, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 4 क्या है, लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी के दायित्व तो बताए गए हैं या बाध्यताएं बताई गई। धारा 6 सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं आप, सूचना प्राप्त के लिए अनुरोध, सूचना प्राप्त के लिए अनुरोध, धारा अनुसार होता है अनुरोध का निपटारा। धारा 7 अनुरोध का निपटारा करेंगे। इसी प्रकार धारा 19 आप अपील कर सकते हैं। धारा 20 क्या है, दंड की व्यवस्था करता है। धारा 8 और धारा 9 क्या है, RTI अधिनियम से छूट की बात करता है, कुछ विषय हैं जो छूट की बात करते हैं इस अधिनियम से। इसके बाद आयोग आता है 12, 13 और 14, इसी प्रकार 15, 16 और 17 ये केंद्र के मामले में है, ये राज्य के मामले में। इसमें गठन आयोग के गठन की बात की गई है, इसमें पदावधि एवं सेवा शर्तें की बात की गई है, इसमें हटाने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से धारा 18 में क्या की गई है, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। धारा 18 सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों की बात करता है। धारा 19 अपील की, धारा 20 दंड की व्यवस्था करता है, और धारा 23 जो है वो न्यायालय को प्रतिबंधित करता है, न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार से जितने ये सारे धारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इन सारे धाराओं को अच्छे से एक जगह अंतिम पेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना है और रिवीजन करना है। अधिकतम रिवीजन करेंगे आपको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। ये देखा गया है कि जिनका नोट्स अच्छा बन जाता है और उनका रिवीजन भी अच्छा होता है और उनके आंसर भी बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं, तो आप अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।